काशीराम साहब जिस सपने को देखते देखते चले गए वो सपना पूरा, तो एक प्रकृति ने हीरा फिर से तुम्हें दे दिया है, एक हीरा प्रकृति ने फिर से तुम्हें दे दिया है जिसका नाम भाई चंद्रशेखर आजाद है। और अगर उसकी भी पहचान आज ना हो पाए तो फिर द्वारा बापू का देव प्रसाद सिसोदिया होगा, फिर द्वारा कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा को पूछा जाएगा, फिर द्वारा से बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को पूछा जाएगा, फिर द्वारा से पिताजी को चार भोजन का प्रोग्राम को लेकर जाएगा। ये मंच पर तो बैठे लोग मैं नहीं मानता जिनका किसी का भी बैकग्राउंड कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के घर से, मैं नहीं मानता कि एक के पास विश्व नहीं, ये आप ही के बीच के लोग हैं, ये आप ही के बीच से निकले हैं, जितने मंच पर नाम बिहार का है वो तमाम आपके बीच से निकले के लोग हैं, और सब भीम आदमी के द्वारा तैयार किए गए साथ में। इनका मान सम्मान करना सीखिए, बिहार का मान सम्मान करना सीखिए, ये वही बिहार है जब झारखंड विकृत हुआ था। हाँ देखिए, जहाँ चौसा का युद्ध हुआ था वहाँ लड़ने वालों में सबसे बड़ी ये वही बिहार है जिसके हर घर में आई है और हर घर में रहता है और हर घर में गुंडा में जाता है, वही ये वही बिहार है जब हमारी बेटों की यादों पर हाथ डाली जाती थी, जब हमारे बुजुर्गों का बेइज्जत किया जाता था तो अपनी छाती फाड़ कर खड़े हो जाते थे। अब इस बिहार को अनुशासित बनना है, इस बिहार का शासन आपको लेना है और पूरे देश को दिखाना कि यहाँ का दलित आदिवासी पिछड़ा, यहाँ का अल्पसंख्यक, यहाँ का बैकवर्ड, यहाँ का बहुजन समाज कोई नहीं करते प्रतिशत समाज है, ये बहुत जल्द चीख मारने के लिए रवाना उठाने के लिए तैयार है। अब ये देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है, उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं अपने परिवार के लोगों को जानता हूँ कि जो लोग सुबह से शाम तक माध्यम से बैठ सकते हैं, जो सुबह से शाम तक गेहूँ कर सकते हैं, मजदूरी कर सकते हैं, अगर एक बार मन बना लिया बाबा साहब के द्वारा दिए गए अधिकार को जिसको मत का अधिकार कहते हैं उसका एक बार प्रयोग कर लिया तो उस देश में शासन सत्ता पैर चुमाने से निकल दिया था, और जितनी भी शासन सत्ता ने आपके पैर चुमे इस देश में 1600 अम्बेडकर की विचारधारा स्थापित हुई उस दिन समझ लीजिएगा ये देश पूरे सोने के चिड़िया में। अब जिम्मेदारी, अब जिम्मेदारी आपके क्योंकि इतिहास को बोलना सब करूँ तो मुझे लगता है बाबर धन सिंह की बजाय इतने सारे इतिहास, लेकिन क्योंकि मेरे बाद हमारे नेता भाई चंद्रशेखर आजाद जी का भी सुन रहा है और उन्हें कह रहे हैं कि भाई सब लोग भूखे प्यासे हैं, ध्यान में चलो थोड़ा सा कि परिवार भूखा का जीवन होता है, दर्द होता है भूखा का से नाम है ना दर्द होता है, तो अनुशासन दिखाते हुए जय कर अपनी बात खत्म करूंगा। बस एक बात आप लोगों से चाहूंगा, एक बात अगर आगे नहीं चाहता, एक बात चाहूंगा कि जब भाई चंद्रशेखर आजाद आवाज देंगे, जब भाई चौहान आजाद आवाज देंगे, जब भाई की प्रधान जी आवाज देंगे, जब भाई अमर ज्योति आवाज देगा, जब भीम आर्मी का पदाधिकारी कार्यकर्ता आवाज देगा किसी आंदोलन के लिए, तो फिर अपने तन मन धन के साथ घर से कपड़े में रोटी बांध करके पानी की बोतल लेकर के अपने आंदोलन को मजबूत करने के लिए। कुछ लोग सत्ता में निरंकुश हो गए, वो सोच बैठे हैं कि वो घर तुड़वाएंगे, वो हमारी बिल्डिंगे गिराएंगे, वो आरक्षण पर फरार करेंगे और हम चुप रहेंगे। हम उन्हें बताएं कि हमारी आबादी इतनी है कि अगर हम एक दिन मन में ठान ले कि मुंबई बंद करना है, लखनऊ बंद करना है, दिल्ली बंद करना है, या फिर पटना बंद करना है, अब
अभी यहाँ पर भी कुछ लोगों ने कुछ कहा ये बाल भाई चंद्रशेखर आजाद जी आपसे करते, लेकिन मैं इनसे माफी चाहते हूँ, मैं बात खुद कर देना चाहता हूँ कि 6 मार्च को एक बुलावा, ये तो देख रहे हैं ना, बहुजन समाज जोड़ो पद यात्रा चलिए, ये बुलावा पटना की ओर किसानों का, 6 मार्च को ये भी दिखाना कि जो आरक्षण के खिलाफ बात करेगा, जो बहुजन के खिलाफ बात करेगा, अब बिहार के पूरे देश में राजनीति नहीं करेगा, ये दिखाना। और एक दिन ये भी दिन मुझे दिखाना है 6 मार्च को कि हम आजादी में इतने हैं कि हमारी चीफ से पूरा देश निकला, चीफ से एक जगह आप पहुंचेंगे, आप आएंगे, जय भीम, जय मंगल, जय जवान, जय संविधान, जय भारत।